देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज के पवित्र चरण छह प्राप्त ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब पातशाही आठवीं में गुरु साहिब के प्रकाश पर्व पर तीन दिवसीय समागम शनिवार को आरंभ हुआ। सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के श्री अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ किया गया। आरंभता अवसर पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन सिंह सहगल, कार्यकारिणी समिति सदस्य टीपी सिंह, सदस्य बीएस बिंद्रा, मैनेजर हरविंदर सिंह समेत भारी गिनती में संगत मौजूद रही। इसके उपरांत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की छत्र छाया में पंच प्यारों की अगुवाई में महान नगर कीर्तन सजाया गया। नगर कीर्तन की आरंभता से पूर्व गुरु चरणों में अरदास की गई, जिसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के समक्ष शीश नवाने के लिए संगत का हुजूम उमड़ पड़ा। ये नगर कीर्तन खतौली, मंडोर, जग्गी गार्डन, बलदेव नगर पंचायती गुरुद्वारा बलदेव नगर, गुरुद्वारा सिंह सभा बलदेव नगर, बरनाला, गरनाला, जनेतपुर, टूंडली, तोपखाना, टूंडला, डिफेंस कॉलोनी, कलरहेड़ी, नगला मोड़, हंडेसरा चौक, तसिम्बली से होते हुए वापिस गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब में संपन्न हुआ। संपन्नता अवसर पर संगत ने आतिशबाजी करके नगर कीर्तन का स्वागत किया। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।